आपके पास सैमसंग गलेक्सी F23 है, A23 है, M23 है या फिर कोई और फ़ोन है, तो उसके अंदर जब भी आप किसी चीज़ को ऐसे टच करके रखते हो तो काफ़ी टाइम बाद जाके आपका अगर सेलेक्ट होता है तो इसकी टाइमिंग को आप अपने फ़ोन में कैसे फास्ट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप जाएंगे सेटिंग पे, नीचे ही साइड जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर आपको चले जाना होता है। जाने के बाद ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा टैप का, जो निशान बना है इस पर आपको टैप करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको देख जाता है टच एंड होल्ड डिले, इस पर आपको चले जाना होता है। तो यहाँ पर आपका देख रहा होंगे कि लॉन्ग पे होता है, बाकी नॉर्मल बंदों का शॉर्ट पे होता है। अगर आपको और फास्ट करना है तो आपको वेरी शॉर्ट पे कर देना होता है। अब आपको करना है बैक, यहाँ से जैसे ही टच करोगे ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में टाइमिंग को कर लेंगे। बाकी अगर आपको टाइमिंग एडजस्ट करना है तो वापस से जाके यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी कस्टम पे है तो आपको देखना होता है कितना टाइम आपको सेट करना है। ऐसे जाके अगर आप इसको ऐसे कर देते हो या आपका इतना सेकंड पे लग जाता है कस्टम पे, ठीक है। जैसे कि और फर्क लो करना है, जैसे कि आपका 3 सेकंड होता है, जितना आप टाइप करके रखोगे उतना आपका टाइमिंग बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे वापस से एक बार कैंसिल करके वापस से आपको कस्टम पे जाना है, इस पर टाइप करोगे, इसे टच करोगे, यहाँ पे 10 सेकंड हो गया। अब आपको करना है 10 सेकंड, आपको कम से कम 50 सेकंड से ज़्यादा ही करना है, ऐसे आपका हो जाएगा मिली सेकेंड, यहाँ से आपका सेट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।